हेलो फ्रेंड्स, और आज कोई वेलकम नहीं है। आज बस सीधी सीधी सी बात है, क्योंकि अभी अभी मैंने एक देखा है वीडियो। ये वीडियो 2 दिन पुराना है, बट मुझे आज ही ये दिखा है, क्योंकि मेरे नेट में या मेरे यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से ना तो मेरे अपलोड सही से आज हो पाए हैं और ना ही मुझे नोटिफिकेशन सही से मिल पाए हैं। बाय द वे, ये सब चीज़ें पुरानी हैं और इनको हम नहीं लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हम किस वीडियो के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं वायरल आंटी की बारे में, जिन्होंने बहुत ही घटिया बातें करी हैं, और उन्होंने पूरी एक जो है उस तरीके की मानसिकता वाली लेडीज को लाके सबके सामने प्रस्तुत कर दिया है, जो सच में कहलाती है ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो सच में ऐसी औरतें औरतों की प्रगति में बाधा है, उनके डेवलपमेंट में बाधा है, उनके हर एक क्षेत्र में उनको हमेशा चाहती हैं कि वो चार दीवारी में ही बंद रहे, वो कहीं ना जाए, बस आदमियों को बनाएं, खिलाएं, बच्चे पैदा करें और सेवा करें बस, और उसके अलावा उनकी सोच औरतों के बारे में कुछ भी नहीं है। तो हुआ कुछ यूं कि वीडियो में जो मैंने देखा उससे ये पता चला। बाय द वे, मैं आपको बता दूं, ये वीडियो मैं रात के 12:07 पे बना रही हूँ, बिकॉज इस समय मेरे दिमाग में इतना हलचल है। मैं पहले भी अपने कई वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि जब भी मैं लेडीज़ के बारे में कुछ भी सुनती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि मैं अपने मतलब मेरे आमने सामने भी कोई होता है तो मैं उससे इसके बारे में तर्क वितर्क करना शुरू कर देती हूँ। बिकॉज कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर हम ही औरत होके औरत के लिए खड़े नहीं होंगे तो कौन होगा? और मुझे लगता है सभी को एक एक स्लैप तो देना ही चाहिए ऐसी लेडी को जो इतनी घटिया बातें करे। उस लेडी ने एक लड़की को, जो कि कोई नहीं लगती थी, एक रेस्टोरेंट में या किसी मार्केट में या किसी शॉप में उनसे उनके सामने पड़ गई, और वो छोटी ड्रेस में थी, तो उन्होंने उन पर क्या कमेंट किया कि ऐसी लड़कियाँ जो छोटे कपड़े पहनती हैं उनका चाहिए। सच्ची में, सच में आप ये सोचते हो जो लड़कियां छोटे कपड़े पहने वो लड़कियां छोटे कपड़े इसलिए पहनती हैं क्योंकि वो इनवाइट करती हैं लड़कों को कि आओ मुझे देखो, मुझे रेप करो। मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप किस जमाने में, आज से अगर 10-20-50-60 साल पहले भी अगर आप ऐसी बातें करती, मैं मान जाती। हमने भी बहुत कुछ देखा है। आज से 30 साल पहले मेरी उम्र 35+ की है। पता है सिचुएशन कहाँ खराब हुई थी? खराब वहां, क्योंकि लड़के को इस कोने में रखा गया, लड़कियों को इस कोने में रखा गया। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैंने कभी कोएड में नहीं पढ़ा, बिकॉज उस जमाने में लड़का लड़की एक साथ पढ़ना बहुत ही मतलब अजीब बात मानी जाती थी। यूनिवर्सिटीज थी, लेकिन छोटे, जब आप बेसिक्स में पढ़ते हो, प्राइमरी में पढ़ते हो, तब वहाँ पर इतने ज़्यादा ओपन स्कूल नहीं थे जहाँ कोएड हो, बहुत रेयर होते थे। तो हम जैसे मिडिल क्लास वाले लोग जो जिस स्कूल में जाते थे वहाँ लड़के और लड़कियों के अगर होते भी साथ स्कूल थे 8th तक 5th तक, तो उनके सेक्शन भी बटे हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि लड़के लड़कियां आपस में बात करने लग जाएं और कोई चक्कर चल जाए। लेकिन आप तो गॉगल चढ़ाए हो, इंग्लिश बोल रही हो, सब कुछ कर रही हो, आप ऐसी बातें बोल रही हो, शर्म करो। लड़कियों के कपड़ों की वजह से रेप होते हैं। न्यूज़ नहीं सुनते हो, फलानी जगह एक नन का रेप हो गया, फलानी जगह एक 6 महीने की बच्ची का रेप हो गया, कहीं 3 साल की, कहीं 6 साल की, कहीं 60 साल की बुढ़ी का रेप हो गया। रेपिस की कोई च्वाइस होती है? उनके सर पे उनकी जब विकृति बढ़ जाती है, जब उनके अंदर वो रेप का कीड़ा कुलबुलाने लगता है ना, तो वो ना तो किसी लड़की के कपड़े देखते हैं, ना किसी लड़की की एज देखते हैं, ना ये देखते हैं कि वो महिला है या लड़की है, बूढ़ी है, जवान है, बच्ची है, अनपढ़ है, पढ़ी लिखी है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली है, जर्नलिस्ट है, या कोई आम लड़की है, या कूड़ा बीनने वाली है, या गुना हो, मतलब वो कुछ भी नहीं देखता। जब उसके शरीर की भूख बढ़ती है ना, तो वो कुछ भी नहीं देखता, वो सीधे अटैक करता, वो राक्षस होता है, वो जानवर होता है। तो उसके लिए कपड़ों को ब्लेम ना करिए। कपड़े, पढ़ाई लिखाई, कैसे जीना है, कैसे हमें आगे बढ़ना, ये हमारा अधिकार है, लड़कियों का अधिकार है, जो अभी ग्रोन अप है, जो अभी आगे, जिनका बहुत सुनहरा भविष्य है। हम भारत निर्माण की, नव भारत निर्माण की बातें कर रहे हैं। हम इंडिया को एक सुपर पावर बनाना चाहते हैं, हम इंडिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में खड़े होना चाहते हैं। ऐसे खड़े होंगे आप जैसी लेडीज के साथ में? आप तो खींच खींच के पीछे ले जाना चाहते हो, आप तो हमें घूंघट में रखना चाहते हो, हमको तो एक कबर में, यानी कि जो चार दीवारी की एक कबर होती है ना, जिसमें वो लेडीज रहती है कि बस
पकाया खिलाया और सो गए, पकाया और समय समय पे बच्चे पैदा कर दिए, इसके अलावा तो हमारा कोई काम ही नहीं, हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। हम ही अगर बाहर चले गए तो अगर हमारा कुछ हो गया उसकी जिम्मेदार भी हम ही है। लड़कियों को आपने, लड़कियों की माओ के लिए एक मैसेज दिया ना आपने ऑन कैमरा कि जितनी भी माँ है वो सुनने, अपनी लड़कियों को कपड़े तमीज से पहनाना सिखाएं, यानी कि पूरे कपड़े पहनाना यानी बुरका पहनाना सिखाएं, प्लस उनको बातचीत करना सिखाएं और उनको कंट्रोल करें। कैसे कंट्रोल करें, कौन सा कंट्रोल भाई, कौन सा कंट्रोल, कितने, क्या चाहती हैं आप? आप ये चाहती हैं कि लड़कियों को बस घर में बंद कर दो, उनको सिलाई कढ़ाई सिखाओ और उनको जो है एक 5 मीटर के जो है लत्ते में लपेट के लोगों के सामने घूंघट में पेश किया जाए? उनका कोई अधिकार नहीं, उनकी कोई चाहत नहीं है, वो अपनी मर्जी से कपड़े तक नहीं पहन सकती, खा नहीं सकती हैं, सोच नहीं सकती हैं? उनकी सोच पर आप कंट्रोल करना चाहते हैं? ऐसे आप अपने अपने आप को, आप तो लेगिंग और कुर्ते और गॉक्स लगाए हुए थे, आप तो बड़े फैशनेबल लग रहे थे। ये वो औरतें होती ना जिनकी, जिनका बचपन उस तरीके से, जिनको बहुत कंट्रोल किया जाता है, जिनको इस एज में बड़े शौक चढ़ते हैं ना जवानी वाले कि अब तो हमें नहीं मिला था मेरे बचपन में, तो इनको क्यों मिले? हमें तो जीन्स पहनने के लिए मना किया गया था, तो ये क्यों पहन रही है? तो भाई यार तुम्हें अधिकार है, ठीक है, तुम अपनी लड़की को कंट्रोल करो। एक जो जिसका आपको अता पता नहीं है, जिसका नाम नहीं पता है, जिसका कुछ भी नहीं पता है कि वो कहाँ की है, कौन से प्रोफेशन से है, कैसी है, पढ़ी लिखी है, अनपढ़ है, उसके बारे में आप कमेंट कर रहे हो और पब्लिक में कर रहे हो और ऐसे कर रहे हो कि ये मैसेज है पूरे इंडिया के लिए। पूरी इंडिया में आप जैसी मानसिकता वाला कोई नहीं है। और एक बात सुन लो, अगर किसी औरत के आगे पढ़ गई ना तो उसने तो शायद छोड़ दिया होगा आपको सिर्फ आपकी क्लिपिंग लेके, आपकी जो जुल्फे दिख रही थी ना वो उखाड़ उखाड़ के मारी जाएंगी। आपने अगर इतनी गलत बात बोली है किसी लड़की के लिए और मेरे सामने पड़ जाए तो वाकई मैं आपकी उम्र का लिहाज नहीं करूंगी। आपको अपनी बातों से ही इतना शर्मिंदा, वैसे तो आप बहुत शर्मिंदा हो चुकी हैं, सोशल मीडिया पे आपकी थू थू हो रही है और अभी आगे देखिए कितना आप झेलती हैं, लेकिन आपके बच्चे कितनी शर्म कर रहे होंगे अगर वो आपकी तरह इंग्लिश बोलने वाले होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो क्या सोच रहे होंगे कि मेरी माँ है कैसी है? और होते हैं जो अपने बच्चों के लिए एक क्या कहते हैं मिसाल बनते हैं, अपने इतने अच्छे विचार अपने बच्चों को अपने आप से देते हैं, एक रोल मॉडल बनते हैं। आप तो भैया, आपके बच्चे आप पे शर्म करेंगे, कुछ शर्म का कुछ सोच बदल लो। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ऐसे लोग समाज से बिल्कुल बाहर होने चाहिए, इंडिया को और इंडिया इंडियंस को रिप्रेजेंट करने के वो लायक नहीं, इंडिया के बारे में कुछ बोलने के लायक नहीं है, कोई मैसेज देने के लायक नहीं है और उनके मैसेज को बिल्कुल कोई भी यहाँ से ना ले। और जो सपोर्ट करेंगे उनका, उनके लिए भी बहुत बुरा होगा कि हाँ वो लेडी सही कह रही थी कि कपड़े छोटे, यार कपड़ों से कहाँ होता है यार, 2 साल की लड़की, यार हम तो चलो हमारी संस्कृति ऐसी थी कि हमें घूंघट में रखा गया, ये रखा गया, वो रखा गया, तो मतलब ये सोचो कि हम तो पैदा होते हैं तो कौन से कपड़े पहन के भगवान ने हमें पैदा किया था? क्या वहाँ से हम कपड़े लेके आए थे? नहीं आए थे ना, भगवान ने तो हमें ऐसे ही भेजा था। हम क्यों नहीं उस टाइम को सोचते हैं? अगर मान लो हमारे समाज में कपड़े इन्वेंट ही ना हुआ होते तो क्या होता? तब तो मतलब हर लड़की का हर पल रेप, जो उसे देखता रेप ही करता रहता। हद है यार, सोच सुधार लो कुछ, हम बहुत आगे पहुंच गए, समय बहुत आगे चला गया। आंटी जी प्लीज, मैं भी आंटी हूँ, मुझे भी कहते हैं, मैं अपने बच्चों को ये सिखाती हूँ कि विमेंस के, और आपने क्या कहा लड़कियों के लिए मैसेज? अरे मैसेज देना तो लड़कों को मैसेज देती हूँ मैडम, तो शायद आपकी थोड़ी सी इज्जत होती कि चलो लड़कों ऐसा करो कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सीखो, लड़कियों को ताड़ना घूरने की जगह उनको हेल्प करने की सोचो, अगर कोई लड़की तो आगे बढ़ के उसकी मदद करो, तब हम जानते हैं कि आप आज के इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बट आपकी सोच पे मुझे बहुत ही ज़्यादा दया आ रही है, दुख आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है, मुझे नफरत हो रही है आपसे, आई हेट यू। आप कितनी भी उम्र में बड़ी हो हमसे, लेकिन जब काम इज्जत वाले करेंगी तभी आपको इज्जत मिलेगी, और बड़ी बेइज्जती हो रही है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग खुल के आके आपको स्लैप कर रहे हो, और एक मेरी तरफ से भी स्लैप है आपको, समझिए आप। यहीं से मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ, आपके
विचार इस पे क्या है आप जरूर लिखेंगे। मेरे तो यही विचार है, मैं अपनी इंडियंस गर्ल्स को बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ हर तरह से कि वो जो चाहें वो करें, जैसे जिस चीज़ में वो कंफर्ट फील करती हैं वो पहने, चाहे वो सूट हो, सलवार हो, साड़ी हो या फिर स्कर्ट कपड़े हो, इसमें उनका पूरा अधिकार है। एक ह्यूमन होने के नाते हर इंसान को, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसे अपने जीवन जीने का अधिकार है और ये अधिकार सबको मिलना चाहिए और इसमें किसी को हस्तक्षेप यानी कि कोई भी उसमें उंगली नहीं करनी चाहिए। समझ में आई बात? तो बस मेरा यही कहना था, वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे विचार पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को आगे तक शेयर करिएगा।